कौन सी बुक की थी आपने? बस लक्ष्मी होलीडेज की थी यार। ये मिला है आपको? ये मिला हो टाटा सोनू भी टूटा पड़ा नीचे थोड़े बज रहे। किस तरह का स्कैम कर रहा है लक्ष्मी होलीडेज वाला टूरिस्ट के साथ मनाली में? लक्ष्मी होलीडेज की बस है और ये लोग किसी थर्ड पार्टी से बस ऑपरेट करवा रहे हैं। इधर है खाई तो भैया आज भगवान जी का नाम लेके दिल्ली पहुंच जाए तब देखी जाए। तो कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरह का है, मैंने आपको जो सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं लक्ष्मी हॉलीडेज से। तो स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नई वीडियो में। तो आपने दिल्ली से मनाली की तो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन अभी आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी मनाली से दिल्ली आप वापस कैसे जाएं। हमने बुक की है अपनी लक्ष्मी हॉलीडेज की बस जो कि यहां से निकलेगी 3:30 बजे दोपहर के, और जो इसका बस का फेयर होने वाला है वो है तकरीबन कम से कम अगर आप पहले बुक कर लें तो आपको 900 रुपये के आसपास पड़ेगी, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट साथ के साथ बुक कर रहे हैं तो बहुत महंगी बस ही है, यहाँ तक कि आपको 2000 रुपये तक का फेयर देना पड़ सकता है किसी भी बस के लिए। और ये जो पॉइंट है ये है मनाली का प्राइवेट बस स्टैंड, यहाँ पर आपको सारी जो बसेज दिखेंगी ना सारी वोल्वो बसेज दिखेंगी। यहाँ पर हमारी लक्ष्मी हॉलीडेज की बस लगी है, उधर आपका इंटरसिटी है, और जितनी भी बसेज हैं यहाँ पर सब आपको मिलेंगी मनाली से दिल्ली जाने वाली, और जाती आपको चंडीगढ़ जहाँ पे आपका पॉइंट होगा वहाँ की सारी बसें आपको अवेलेबल रहेंगी। ज़्यादातर जो बस निकलती हैं यहाँ से शाम को निकलती हैं, लेकिन हमारी बस है 3:30 बजे। तो अंदर इसके साथ आपको लेकर चलूँगा बस के अंदर, किस तरह की फैसिलिटी होगी, किस तरह की सीट होंगी, क्योंकि लक्ष्मी हॉलीडेज में मैंने काफ़ी सफ़र किया है लेकिन मनाली से फर्स्ट टाइम मैं सफ़र कर रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो चलिए बस के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की सर्विस होगी, पूरा रूट आपको कवर कराऊँगा। और ये जो हम पहुँचेंगे दिल्ली चंडीगढ़ सोनीपत पानीपत के रास्ते अंबाला होते हुए हम पहुंचेंगे दिल्ली सुबह, और कितना समय लेगी ये बस वो सब आपको मिलेगी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं बस के अंदर। भैया यहाँ हो रहा है स्कैम मनाली में लक्ष्मी हॉलीडेज की तरफ से, लक्ष्मी हॉलीडेज की बस बोल के भेज रहे हैं इस तरह की, जो क्राउड देखे वो किस तरह का आफत कर रहे हैं। यहाँ पर बुलाया है लक्ष्मी हॉलीडेज की बुक की है सबने और बस भेज रहे हैं ये वाली। तो देख लिए किस तरह का स्कैम कर रहे हैं लक्ष्मी हॉलीडेज वाला टूरिस्ट के साथ मनाली में। तो दोस्तों अगर आप लक्ष्मी हॉलीडेज बुक कर रहे हैं ना तो पहले पता कर लें कॉल सेंटर पे कॉल करके कि कौन सी बस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। यहाँ पे बस बुक की है सब लोगों ने लक्ष्मी हॉलीडेज, और उसके देखिए कौन सी बस भेजी है लोगों के लिए, सब ने अपना जो लगेज है वापस ले लिया और सब ने रिफंड की डिमांड की है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं, क्योंकि जब भी आप बुक करें ना लक्ष्मी हॉलीडेज को तो पहले वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए और बता दीजिए कि भैया मेरी बस कौन सी रहेगी। ये देखिए लक्ष्मी हॉलीडेज के जगह ये कौन सी बस इन्होंने भेजी है, ये कोई टाटा की बस है ये इन्होंने यहाँ पर भेजी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और मैं इसको टैग करूँगा स्पेशली लक्ष्मी हॉलीडेज वालों को भी कि भैया ये किस तरह का स्कैम आप चला रहे हो, यहाँ सारा जो क्राउड है ना वो सब ने बुक किया लक्ष्मी हॉलीडेज और सब ने अपना जो लगेज है वापस ले लिया है। और मैं भैया कौन सी बुक की थी आपने? बस लक्ष्मी हॉलीडेज की थी यार। ये मिला है आपको? ये मिला हो टाटा सोनू भी टूटा पड़ा नीचे थोड़े बज रहे सोनू नाथ मिले हैं बेकार जी बेकार। तो भैया देख लेना अपना लक्ष्मी हॉलीडेज, वैसे तो वो दिखाता है कि अच्छी बसेस हैं, लेकिन जो एक लक्ष्मी वालों की बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग करो तो रिकॉर्डिंग बंद करवाने के चक्कर में होते हैं, पागल बना रहे लोगों को इन शॉर्टली गाइस। तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखने, थोड़ा क्या मैं इनको बात करूँ, पूरा खराब कर रहे हैं लक्ष्मी वालों को आगे, हाल कोई देख के नहीं ले पाएगा। वहाँ दिखाया अगर आप बुक करेंगे ना ऐप पर तो दिखाएगा वोल्वो और आपको स्लीपर मल्टी स्लीपर मिल सकता है, बट आपको कुछ भी मिल सकता है, एक्चुअल लक्ष्मी ट्रेवल्स मिले ना मिले उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आपको मिलेगा सोनू नाथ। तो एटलीस्ट लॉन्ग रूट के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा लक्ष्मी वालों की। तो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरह का है, मैंने आपको जो सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं लक्ष्मी हॉलीडेज से और बुक भी कर ली थी, लेकिन लक्ष्मी हॉलीडेज वालों ने किया हमारे साथ स्कैम। और देखिए हमारे हमको भेजी थी ये वाली बस, कितना कंप्लेंट किया, दो बसेस थी कुछ लोगों ने रिफंड ले लिया, लेकिन हमको जाना था वापस घर तो हम आ गए इस बस में, लेकिन अब यहाँ से चलने के 50 किलोमीटर बाद बस हो गई है ख़राब, और देख लीजिए इसका पानी हो गया और अभी थोड़ी देर बाद पूरी बस में धुआं आ गया, तो जो पूरा इसका पैसेंजर है ना कुछ लोग उधर चले गए हैं बाकी पैसेंजर इधर रह गए हैं। तो ये स्कैम हुआ है आज हमारे साथ लक्ष्मी हॉलीडे रेड बस के थ्रू हुआ है, लक्ष्मी हॉलीडेज वालों ने किया है। तो अभी देखते हैं वेट करते हैं कितनी देर बाद हमारी कोई नई बस आएगी या इसी को सही करेंगे, तो पूरी वीडियो रहेगी काफ़ी मज़ेदार, आप पूरी जर्नी मेरे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अब क्या अपडेट आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह की अपडेट है, क्या हमें क्या दूसरी बस मिलेगी या इसी को सही करके फिर से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी दिल्ली के लिए। दोस्तों बस को ख़राब हुए वो हो गई आधा घंटा और हम फंसे मनाली में इस समय, क्योंकि आज स्कैम हो गया हमारे साथ
किया लक्ष्मी हॉलीडेज ने। और रात का समय हो गया, देख लीजिए 7:30 हो गए, और हमारी जो बस है ना ये आज जलते जलते बची है। और हमारी जो स्कैम हुआ हॉलीडेज ने, हमारे लक्ष्मी हॉलीडेज ने किया है, देखते हैं तो कोई दूसरी बस आई और क्या हमको प्रोवाइड किया है। अरे कोई हो रहा है ये लोग भाग गए हैं कि हो सकता है कि हमारी बस आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की सर्विस देगा लक्ष्मी हॉलीडेज, क्योंकि बस तो अंदर से फुल है। नहीं ये हमारी बस नहीं है। तो दोस्तों बस को हमारी रुके हुए 2.5 घंटा हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देखिए बस का चलान कट रहा है, अभी कुछ 30 पर्सन आए हैं HP गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस बस का चलान कट रहा है। साथ ही इनको मैंने बता दिया कि क्या क्या इशू हुआ है पूरी बस में, और बिना कंडक्टर के बस चल रही है। अभी देखते हैं क्या इनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स आने वाला है। वैसे काफ़ी लंबा ये काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस है लक्ष्मी हॉलीडेज़ के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिना कंडक्टर के बस को चला रहे हैं, और आज बस में आग लगते हुए बचा है। 8:30 सारे पैसेंजर रोड पे हैं, और बात कर रहा हूँ मैं अगर रेड बस के कस्टमर केयर सर्विस से, तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। भैया सफर कर रहे हो इसी में आप लोग? बिल्कुल इसी में कर रहे हैं, इसी में। तो भैया क्या हुआ है आज बस में बताएंगे जरा? कुछ नहीं, बस ये स्टार्ट हुई थी तब इस बस में से धुआं भी आया था, हम लोगों ने इनको मना किया कि आप इस बस को मत ऑपरेट कीजिए। अच्छा। और दूसरी बस लेके आइए, सोनूनाथ की बस इन लोगों ने लगाई, हम लोग ने वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन उठाया कि आप हमें लक्ष्मी ट्रेवलर्स की या लक्ष्मी हॉलीडेज की बस है, तो आप ये सोनूनाथ की बसेस क्यों लेके आ रहे हैं? तो इनका ये है कि रिएक्शन ये कि आपको यही मिलेगा, जाना है तो जाइए, वरना आप टिकट कैंसिल कर लीजिए, रिफंड ले लीजिए। आप बताइए ठीक 3:30 बजे की आपकी बस है, और आपको 3:25 से पता चलता है कि आप बस कैंसिल कर लीजिए। आपके प्लान्स होते हैं बहुत सारे, वो प्लान्स का आप क्या करोगे? और एट ए टाइम आपको टिकट भी नहीं मिलेगी कहीं भी जाने की। कल सुबह सबका ऑफिस है, सबको ऑफिस में जाना है। पेटीएम पे दिखा रहा था लक्ष्मी हॉलीडेज भेजिए, ये सोनूनाथ सारे आप इसी में सफर कर रहे हैं ना? तो भाई और गए। तो भैया आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप पता नहीं होगा, इसमें सिर्फ बस ड्राइवर है, कंडक्टर भी नहीं। पता है भाई, पता है। एक भाई यात्रीगण ने हमें बताया, जैसा कि हमने सुना, इसमें एक बस स्टॉप का सिर्फ एक ड्राइवर ही है और कोई नहीं है, और पूरा रास्ता होने वाला 10 से 11 घंटे का। उसको अगर आग लग जाए तो क्या होगा? ड्राइवर है वो बहुत बुजुर्ग है, उसकी हालत शायद इतनी ट्रैवलिंग करने की नहीं है जो अकेला इतने बंदों को ले जा सके वहां तक। बिल्कुल, वो अभी हाथ खड़े कर गया, वो बस में ना तो सहायता कर रहा है ना बोल रहा है, बस बोल रहा है हमें जूते मार लो, उसे हमारा क्या होता। खतरनाक सफर में है इस समय आप, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिना कंडक्टर एक ड्राइवर है, वो भी बुजुर्ग है, तो बस राम भरोसे चल रहा है और अभी चली भी नहीं है। चलिए घंटे के वेट करने के बाद हमारी दूसरी बस आ गई है, हमारी पहली बस थी ये सोनू की, और अब है ये वाली बस हमारी आ गई है। चलिए अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ ये किस तरह की बस है। आज तो काफ़ी खराब माहौल हो गया, पूरा दिन हो गया यहीं पर, और ऐसी जर्नी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ये आई है हमारी दूसरी बस, ये भी इसी ट्रेवल्स की है। दोस्तों कहानी बहुत ख़राब हो रही है हमारे, आज जर्नी पता नहीं दिल्ली तक पहुंच पाएंगे ना पहुंच पाएंगे। गाड़ी फंस गई हमारी, नई वाली गाड़ी मिली थी ना हमको, वो फंस गई है, और यहाँ देखिए ये पूरा इस समय इधर है खाई। तो भैया आज भगवान जी का नाम लेके दिल्ली पहुंच जाए तब देखी जाए। अभी सारे पैसेंजर भी उतर गए हैं, देखिए जितने भी पैसेंजर थे ना हमारे बस में, अभी दूसरी बस को चले हुए हो गए 1/2 घंटे, और कहानी ख़राब है पूरी। जर्नी यादगार रहेगी, अब देखिए किस तरह से ले जाएंगे। और ये दब आएगा नहीं तो दब जाएगा फिर से। दोबारा जर्नी स्टार्ट, पता नहीं कितने आज स्टॉप होंगे और किस तरह के रास्ते से चलेंगे बस में। नहीं ठीक है, ये भैया सही बात बोल रहे हैं, थोड़ा हल्का रखो यार, गुस्से में हो जाता है यार, तो एकदम से थोड़ा सा बात बैग वाली नहीं है यार। अब शीशा जो खोल रहे थे ना भैया, वो गुस्सा रही थी यार इस पे है ना, वो जम जाता है, जैसे सांस लेते ना हम लोग जम जाता, दिक्कत होती है ना। चलो 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 हम तो लेडीज को चढ़ने लेडीज ही फोन नंबर धर ले यार, चलो कोई नहीं आएगा जो आएगा। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 5:30, और आज की जर्नी पता नहीं कैसे कंप्लीट होगी, घर तक कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, आप ये वीडियो कल देख पाएंगे या ना देख पाएं, क्योंकि जो ड्राइवर है ना हमारा
बहुत तकड़ी नींद उसको आ रही है और हमको ही पता है कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं बस में। एक तो बस इतनी अच्छी हमें दी है लक्ष्मी हॉलीडेज वालों ने, क्या बताऊँ आज, और दूसरा इतना ही अच्छा ड्राइवर मिला जितनी अच्छी बस मिली है। और आज बहुत मामला टाइट है पूरा रास्ता। कैसे सो के लाना है उसको, बस वाले की क्या हालत है बताओ भाई। एकदम खेचम खेच चला रहा है यार। मस्त चला रहा है भाई साहब, जो कट मार रहा है ना मेरी थी भाई हालत खराब। मैं तो हाथ जोड़ लिया था एक बार उससे। हमारी बस रुकेगी 15 से 20 मिनट और उसके बाद चलेंगे आगे की यात्रा करेंगे। आज का जो सफ़र है ना वो काफ़ी शुरू से ही जो हमारी जर्नी है ना काफ़ी खतरनाक रही। खतरनाक इन द मीन्स सबसे पहले हमारी जो बस है वो चेंज हो गई। हमने बस की थी लक्ष्मी हॉलीडेज की बुक, उसके बाद हमको मिली इस तरह की एक सोनू नाथ बस। और ये है उत्सव रेस्टोरेंट जो कि है दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर। अभी हमारा स्टॉप रह गया है, उसके बाद आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। तो हमारा स्टॉप रहेगा वो रहेगा न्यू दिल्ली, और सुबह तकरीबन 7 के आसपास ये हमारी गाड़ी हमको उतार देगी दिल्ली में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे दिल्ली में। तो भाइयों सुबह 7 बजे हमारी बस ने उतार दिया है आईएसबीटी कश्मीरी गेट, और जर्नी थोड़ी ख़राब भी रही, सही भी बोलेंगे। सही इसलिए रही कि हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं दिल्ली, और ख़राब इसलिए रही कि हमको लक्ष्मी हॉलीडेज ने किया हमारे साथ स्कैम आज, और हमको वोल्वो एसी स्लीपर बोल के हमको ये बता दी, हमको बैठा दिया ये भोलेनाथ जो कि प्राइवेट बसेज होती है। तो अगर आप भी कभी बुक कर रहे हैं ना बस, तो पहले कन्फर्म कर लीजिए कि बस कौन सी है, क्योंकि मनाली में क्राउड ज़्यादा है जिस वजह से ये लक्ष्मी हॉलीडेज वाले स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। बस दिखा रहे हैं वहाँ पे, ऐप पे दिखाएंगे कुछ और आपको बस प्रोवाइड कर देंगे कुछ और। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी नई वीडियो में। बाय बाय।